कि फाइनल कट ऑफ बनती कैसे है, फाइनल कट ऑफ में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मार्किंग के आधार पर फाइनल कट ऑफ बना दिए जाते हैं। आप किस स्टेट में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, जम्मू कश्मीर में हो, बंगाल में, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाएंगे वो जनरल डिस्ट्रिक्ट के जाएंगे, उसके बाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के जाएंगे, उसके बाद नक्सल डिस्ट्रिक्ट के जाएंगे। कि दो बंदे को सेम नंबर आ जाएंगे, जैसे 80 नंबर दो बंदे को सेम आ जाएंगे, उसके बाद मान लो कि उसका स्टेट भी सेम है, उसकी कैटेगरी भी सेम है। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी के फाइनल कट ऑफ को आपको बारीकी से जानना होगा कि फाइनल कट ऑफ बनती कैसे है, फाइनल कट ऑफ में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मार्किंग के आधार पर फाइनल कट ऑफ बना दिए जाते हैं। फाइनल कट ऑफ में एज भी देखा जाता है, आपका स्टेट भी देखा जाता है, आपका डिस्ट्रिक्ट भी देखा जाता है। तो आज फाइनल कट ऑफ के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको घबराना नहीं है। अगर कोई भी बोल देता है कि 100 नंबर मिलेंगे, 105 या 110 नंबर मिलेंगे तभी मेरिट बनेगी, मेरिट तो 60 से 65 नंबर पर भी बनेगी, तो आपको जानना है कि फाइनल मेरिट लिस्ट आखिर बनती कैसे है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के पीछे क्या क्या देखा जाता है। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एसएससी जीडी के फाइनल कट ऑफ को आज बारीकी से जानते हैं कि किस तरह से फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है। देखो हर स्टेट्स के अलग अलग रूल होते हैं, कोई रेड जोन में आता है तो कोई नॉर्मल जोन में आता है। अगर आप असम, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से हैं तो कट ऑफ आपकी बहुत कम जाने वाली है। वहीं अगर आप बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं तो आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, यहाँ जॉब का क्रेज ज्यादा है। और अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड गोवा की बात करें तो वहां तो कट ऑफ मुश्किल से अगर आपको 50 से 55 नंबर भी आ जाएंगे, 160 में 50 से 55 नंबर भी आ जाएंगे तो आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। देखो सबसे पहला रीजन जो होता है एसएससी जीडी की फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, जो सबसे पहला आप भी जानते हैं कि आपके मार्क्स देखे जाते हैं कि 160 में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। सबसे पहला क्रिटेरिया क्या है, आपके मार्क्स देखे जाएंगे। उसके बाद क्या देखा जाएगा, आप किस स्टेट में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, जम्मू कश्मीर में हो, बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, आसाम में हो, त्रिपुरा में हो, मेघालय में हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो। पर उसके बाद क्या देखा जाएगा, स्टेट, सबसे पहले आपके कितने नंबर है, उसके बाद क्या दिखाया जाएगा आप किस स्टेट में हो, स्टेट के बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट देखी जाती है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में हो। आप भी जानते हो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट तीन भागों में बटी हुई होती है, पहला होता है जनरल डिस्ट्रिक्ट, दूसरा होता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और तीसरा होता है नक्सल डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाएंगे वो जनरल डिस्ट्रिक्ट के जाएंगे, उसके बाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के जाएंगे, उसके बाद नक्सल डिस्ट्रिक्ट के जाएंगे। मतलब सबसे कम कट ऑफ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट का आसपास ही रहता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले नंबर, उसके बाद स्टेट, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट किस एरिया में आता है, उसके बाद आपकी कैटेगरी भी देखी जाती है, आप ईडब्ल्यूएस में हो, यूआर में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो या एसटी में हो। इतना कुछ देखने के बाद जो उसका एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक लॉक करता है कि चलो 160 में अगर आपको 75 नंबर आ रहे हैं तो कितने बंदे उसमें आ रहे हैं, कितने बंदे बंदियां आ रही है। अब देखो कभी कभी ऐसा क्या हो जाएगा कि दो बंदे को सेम नंबर आ जाएंगे, जैसे 80 नंबर दो बंदे को सेम आ जाएंगे, उसके बाद मान लो कि उसका स्टेट भी सेम है, उसकी कैटेगरी भी सेम है, मतलब सब कुछ सेम है, तो उस समय फाइनल मेरिट कैसे लगती है, तो जिसका लास्ट एज है उसे फाइनल मेरिट में जगह दे दी जाती है और जिसका एज कम है उसे फाइनल मेरिट से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर पर ही आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को बना दिया जाता है, उसमें देखा जाता है। और कभी कभी आपने सुना होगा या कमेंट बॉक्स में ही आके कोई ना कोई कमेंट कर देंगे कि भैया कम एज होने के कारण मेरे को फाइनल मेरिट से बाहर कर दिया गया। देखो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर किसी का कम एज है तो एसएससी मानती है या कोई भी स्टेट पुलिस या बैंकिंग या जो भी सेक्टर है जो जॉब देने वाली है वो ये मानती है कि अगर किसी का कम एज है तो वो फिर से फॉर्म अप्लाई करके फाइट कर लेगा, वहीं अगर किसी का एज एक्सपायर्ड हो रहा है तो वो फिर से फाइट नहीं कर पाएगा। तो फाइनल मेरिट
कोई नॉर्मल बात नहीं है। आप जो समझ रहे हो कि नंबर आ जाएंगे, नंबर के आधार पर बना दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनल मेरिट में सबसे पहले आपके नंबर देखे जाएंगे, आपके स्टेट देखे जाएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट देखे जाएंगे कि किस में आते हो, जनरल में, बॉर्डर में या नक्सल में। उसके बाद आपकी कैटेगरी देखी जाएगी, EWS हो, UR हो, OBC हो, SC हो, ST हो, और लास्ट में आपका एज भी देखा जाएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि 2021 की अपेक्षा 2023 में फाइनल मेरिट हमेशा डाउन ही जाने वाली है। और अगर आप स्टेट वाइज फाइनल मेरिट चाहते हो तो मैं डेटाज कलेक्ट कर रहा हूं, मैं पता कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आके अपने स्टेट का नाम बताओ, मैं 110% आपकी फाइनल मेरिट का वीडियो लेकर आऊंगा और स्टेट वाइज लेकर आऊंगा। आज दोपहर ही मैंने फाइनल मेरिट की एक फाइनल कट ऑफ की एक वीडियो जारी करी थी, तो उसमें अच्छे रिस्पांस मिले हैं। तो अभी मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि एक हमारे अपने ने ही फोन करके बोल दिया कि भैया ये जो फाइनल मेरिट बनती है, जो फाइनल कट ऑफ लगती है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो सारा प्रोसेस आपने जान लिया, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिटर्न टेस्ट अच्छा गया है तो आप जल्दी से फिजिकल की तैयारी कर दो, और फिजिकल मेडिकल के लिए तो चिंता करना ही मत, क्योंकि जब तक मैं हूं मैं गारंटी देता हूं, मुझे सिर्फ आपका 30 दिन चाहिए। 30 दिनों के अंदर आप फिजिकल में भी पास हो जाओगे और मेडिकल में भी पास आ जाओगे। तो हमारी ये इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपके कोई पर्सनल सवाल है या मेरे से पर्सनल बात करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आकर डायरेक्ट मेरे को DM करो, मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।